इन दिस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज टेन पॉइंट फाइव से इन फिगर थर्टीन पॉइंट थ्री नाइन ए बी सी एंड डी आर फोर पॉइंट्स ऑन सर्कल ए बी सी एंड डी आर द फोर पॉइंट्स ऑन सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई e पे सच दैट बी ई सी बी ई सी इज वन थर्टी डिग्री एंड ई सी डी जो है वो है ट्वेंटी डिग्री हमें क्या ढूंढना है हमें ये एंगल ढूंढना है बी ए सी ठीक है जहाँ पर मैंने डॉट किया है ओके अभी इस सम को अप्रो अप्रोच कैसे करेंगे वो समझते हैं देखो अगर हम ये वाला ट्रा एंगल लें बी डी सी ओके और अगर हमें किसी तरह डी एंगल का पता चल जाए तो डी एंड एंगल ओके एंगल डी एंड एंगल ए कैसे होंगे वो दोनों इक्वल होंगे ठीक है क्योंकि हमें पता है थियरम कि अगर सर्कल होता है और यहाँ पे मैंने कॉर्ड बना दिया तो ये जो ऊपर वाला जो सेगमेंट है या तो जो नीचे वाला सेगमेंट है यहाँ पे मैं कितने भी एंगल्स बना लूँ ओके डजेंट मैटर मैं कितने भी एंगल्स मैं यहाँ पे बना लूँ ठीक है वो सभी के सभी एंगल्स जो होंगे ना वो कैसे होंगे इक्वल होंगे एक दूसरे के बट ये ध्यान रखना है कि वो सेम सेगमेंट में होने चाहिए या तो वो ऊपर होने चाहिए या तो वो नीचे होने चाहिए ठीक है चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या गिवन है हमें विल राइट डाउन एंगल बी ई सी इज़ वन थर्टी डिग्री एंड ई सी डी इज़ ट्वेंटी डिग्रीज हमें क्या बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए एंगल बी ए सी हमें ढूंढना है ओके okay. अभी हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हमें एक और एक चीज़ की जानकारी मिलेगी कि एंगल डी कैसे ढूंढें अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो दिस इज़ ओके दिस एंगल इज़ व्हाट दिस एंगल इज लीनियर पेयर है ना ये एक लीनियर पेयर है ओके okay. इसी का हम यूज़ करने वाले हैं इन ट्रा EDC ई डी सी एंगल ई इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस वन थर्टी डिग्री ऐसा क्यों बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज अनियर पेर ये कैसा है लीनियर पेर है देयर फोर एंगल ई इक्वल्स टू फिफ्टी डिग्री ओके अभी हम फिगर में यहाँ पर ध्यान दें तो एंगल एंगल डी एंगल सी और एंगल ई e. ठीक है ये छोटे वाले में अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए 180 डिग्री हो जाएगा एंगल डी की वैल्यू हमें सॉरी एंगल ई e की वैल्यू हमें मिल चुकी है 50 डिग्री तो एंगल डी की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी ओके सो लेट एस राइट डाउन एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू वन एटी डिग्री ठीक है ऐसा क्यों है क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रा एंगल एंगल ये हमें पता है फिफ्टी डिग्री है एंगल सी ट्वेंटी एंगल डी हमें पता नहीं है सो एंगल डी विल बी वन एटी डिग्री माइनस सेवेंटी ठीक है फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी होता है इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा सो एंगल डी इक्वल्स टू हंड्रेड एंड टेन ठीक है एंगल डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है अब हमें पता है कि एंगल डी और एंगल ए क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है तो दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे राइट डाउन सेंस एंगल ए एंड एंगल डी आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन और सेम सेगमेंट ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं एंगल सेम सेम सेगमेंट सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी सो एंगल ए इज नथिंग बट हंड्रेड एंड टेन ओके सो वील वी कैन राइट डाउन दे आर फोर एंगल बी ए सी इज हंड्रेड एंड टेन डिग्री सो दिस इज आवर फाइनल आंसर आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा